अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को अर्नब ने भेजा है, गुजरात से है, जेई की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बॉडी ऑफ मास एम इज लॉन्च्ड अप ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द प्लेन इज रूट एक्स बाई 5 इफ द टाइम ऑफ असेंट इज हाफ ऑफ द टाइम ऑफ डिसेंट द वैल्यू ऑफ एक्स इज। तो इस क्वेश्चन के अंदर यह बोला जा रहा है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। उस इंक्लाइंड प्लेन पर एक बॉडी जो है जिसका मास m है उसको लॉन्च किया जाता है, तो वो बॉडी पहले ऊपर जाएगी यानी कि टाइम ऑफ असेंट, वो असेंट होगी ऊपर जाएगी, उसके बाद फिर वो डिसेंट करेगी नीचे आएगी। तो इन दोनों केस में जो टाइम ऑफ असेंट है वो कितना है, हाफ ऑफ द टाइम ऑफ डिसेंट। तो हमें जो है x की वैल्यू निकालनी है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया गया है रूट एक्स बाई 5, तो x की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। तो चलो इस क्वेश्चन को जो है हम डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश कर लेते हैं। इस केस में दो केस, मतलब इस क्वेश्चन में दो केस बन रहे हैं। एक तो जो है पहले ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है, तो लेट्स से कि ये इंक्लाइंड प्लेन है हमारा, फिर इसके बाद ये दूसरा केस है जिसमें ऑब्जेक्ट नीचे आएगी, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है जी। तो दोनों केस को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाएगी, लेट्स से इसको लॉन्च किया हमने यहां से, ऐसे लॉन्च किया, लेट्स से इसको यू वेलोसिटी से लॉन्च किया है। जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगी तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी बताओ आप। जब ये वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये आपको समझना है। लेट्स से यहां पहुंच गई तो यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। भाई जैसे कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन में देखते हो, बॉल आपने ऊपर प्रोजेक्ट करी, बॉल ऊपर जाती है फिर एक पॉइंट पर आने के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है यानी कि मैक्सिमम हाइट पर। तो ऐसे ही इस पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी हो गई जीरो हो गई। लेट्स से यहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करी गई है वो एस डिस्टेंस ट्रेवल करी गई है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां से यहां तक यानी कि इनिशियल पॉइंट से यहां तक फाइनल पॉइंट तक लेट से इसको जो टाइम लगता है वो टी ए लगता है, मैं इसको नाम दे देता हूं टी ए, टाइम ऑफ असेंट, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगी तो अब हम जो है इसके अंदर जो फोर्सेस लग रहे होंगे उनको जो है देख लेंगे। तो कैसे देखेंगे, ध्यान से समझना है। इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg, ये आपको पता है, ये एंगल है आपका थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट, इस mg का एक कंपोनेंट ये बनेगा, दैट इज इक्वल टू mg cos थीटा। अब आप सोचो एक कंपोनेंट ये बन गया तो दूसरा कंपोनेंट कहां बनेगा इसका, mg sin थीटा, वो नीचे बनेगा इस तरह से mg sin थीटा। अब आप ये बताओ कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां होगा, जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगी, जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगी तो ये जो प्लेन है ये तो रेस्ट में है, ये प्लेन इस ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करेगा, तो इसका मतलब इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा इस तरह से। जब भी आपको ये समझना हो कि भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे लगता है तो देखो हमेशा इस तरह से समझने की कोशिश करना। लेट्स से ये इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन का जो है प्रोफाइल है, ठीक है, इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट है वो ये है आपकी, लेट्स से ये ऑब्जेक्ट है, तो देखो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है, ये ऑब्जेक्ट जो है ऊपर जा रही है, थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, लेट्स से ये इंक्लाइन प्लेन है, ये इसका प्रोफाइल है और यहां पर ये ऑब्जेक्ट है आपकी, ये हमने जो है प्रोफाइल बनाने की कोशिश करी है। तो चूंकि ये तो रेस्ट में है, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है, तो इंक्लाइन प्लेन कहेगा कि भाई मैं तो तुझे रोकूंगा, तो वो क्या करेगा, जैसे ये जो पॉइंट है ये इसको अपोजिट डायरेक्शन में रोकने की कोशिश करेगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा, क्योंकि सरफेस कैसा है, रफ, तो यहां से आपको ये पता चला कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहां से हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी निकाल लिया एफ,
ठीक है जी। अब यहां ध्यान से समझेंगे, जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है तो यहां कुछ नहीं करना है, हम ये मान के चल रहे हैं इसके अंदर ये u है, यहां फाइनल वेलोसिटी v है, तो मैं ये मान लेता हूं कि भाई यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो a है, ये एक्सेलरेशन a है, मैंने ये मान लिया, मैंने ये अज्यूम कर लिया। अभी मुझे नहीं पता ये a एक्सेलरेशन है, d एक्सेलरेशन क्या है, मैंने ये ऊपर जाती हुई डायरेक्शन में लिया तो ये a मान लिया। अब आपको ये समझना है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इसको मैंने क्या बोल दिया, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है जी, इसको क्या बोल दिया, रेफरेंस पॉइंट। तो ये जो है असेंट का केस है, जब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां जाएगी तो ये असेंट वाला केस है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पर इक्वेशन लिखेंगे, जब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां जाएगी इसका टाइम ऑफ असेंट टी ए है, तो हमें जो है क्या क्या इक्वेशन लिखनी है वो समझना है। फर्स्ट, सबसे पहले अगर हम यहां ये देखें, इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, तो क्या मैं यहां से ये यू निकाल सकता हूं? देखो फर्स्ट इक्वेशन देखो, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर हम यहां से ये देखें तो फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, और एक्सेलरेशन आपका एक्सेलरेशन ऑफ असेंट और टाइम ऑफ असेंट, तो क्या हम ये बोल सकते हैं जो यू है वो हमारा कितना आ गया, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए टी ए, एक्सेलरेशन असेंट के दौरान और टाइम ऑफ असेंट, क्या हम ये ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां से मान लो ये यहां से बोले तो लेट से ये ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए से बी तक पहुंचने में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ है, एस, तो हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट तो एस ही है, इसकी जो वेलोसिटी इनिशियल वो यहां हमने ऊपर निकाली है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए टी ए, और एक टी ए होगा तो स्क्वायर हो गया, प्लस हाफ ये हो गया आपका एक्सेलरेशन ऑफ ए, ये हो गया आपका टी ए का स्क्वायर, तो यहां से कितना आ गया, तो यहां से आप ये बना सकते हो एस इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा माइनस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ए टी ए का स्क्वायर। उम्मीद करता हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या लिख दिया भाई, डिस्टेंस निकाल ली, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, माइनस हाफ ए ए इंटू टी ए का स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस वन है, ये हाफ है, तो माइनस हाफ मिल जाएगा आपको। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करोगे, अब आपको क्या करना है जी, यहां से भी देख लेते हैं, यहां पर आप देखो ये जो फोर्सेस लग रहे हैं, इन फोर्सेस को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे और न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ लगाएंगे। न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ क्या है, समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और ये मैं जो है विद साइन रखता हूं प्लस माइनस, जैसा कि मैंने कई सवालों में बताया है, तो ऐसे ही मैं यहां पर करने वाला हूं। ये रेफरेंस पॉइंट है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो ऊपर देखो एक्सेलरेशन ए पॉजिटिव है, बाकी देखो mg sin थीटा और f नीचे है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस f माइनस mg sin थीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस f माइनस mg sin थीटा, दैट इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ a। यहां तक क्लियर है? अब हमारा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, म्यू इंटू n होता है, तो यहां पर इस केस में ये n है आपका, तो म्यू इंटू n, तो n जो है आपका mg cos थीटा के इक्वल हो गया, तो म्यू mg cos थीटा लिख सकते हैं हम, तो f की जगह क्या आ जाएगा, म्यू mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा, दैट इज इक्वल टू m इंटू एक्सिलरेशन ऑफ e। यहां पर ध्यान रखिएगा, मैंने जो है यहां पर कुछ नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि भाई असेंट हो रहा है ये डिसेंट हो रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा पॉजिटिव, कुछ नहीं, मैंने तो साइन कन्वेंशन कंसीडर किए और उसी के हिसाब से मैं कर रहा हूं, ऊपर जा रहा है पॉजिटिव नीचे तो नेगेटिव, ये इस केस के लिए, ठीक है। तो यहां से आपका क्या आ गया, एम से एम देखो उड़ जाएगा, ये एम से एम उड़ गया, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए आपको मिल गया माइनस म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा। उम्मीद करता हूं यहां तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये था असेंट का केस। अब हम जाएंगे डिसेंट वाले केस में। हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, ये एक्सेलरेशन यहां पुट करेंगे, देखेंगे अभी, और इसके बाद अब हम जो है डिसेंट का केस देखेंगे। तो ये आपका पॉइंट ए था यहां पर, लेट से ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है, यहां पर ये ब्लॉक या ऑब्जेक्ट जो है यहां आ गई,
अब आप क्या करोगे, ये ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में नीचे आएगी। तो आप ध्यान से देखो, जब ये ऑब्जेक्ट बी से ए पर आएगी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अब हम बी टू ए देख रहे हैं यानी कि डिसेंट देख रहे हैं, तो इसके लिए इस केस की बात करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहां पर जब नीचे आएगी ऑब्जेक्ट तो यहां पर कुछ वेलोसिटी होगी वी। भाई हमने जो है सारी चीजें चेंज कर दिया, बी टू ए आ रहे हैं, ध्यान रखना। ये पूरा का पूरा जो केस था यहां पर, मैं इसको एक डब्बे के अंदर डाल देता हूं, ये आपका ए टू बी था। अब हम बात करेंगे बी टू ए की। अब हम किसकी बात करने वाले हैं, बी टू ए की बात करने वाले हैं। तो जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो और फाइनल वेलोसिटी वी। तो इस केस में लेट्स उसको कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ डिसेंट टी डी। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, जैसे बी टू ए आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, एस ही होगा, यही डिस्टेंस ट्रेवल होगा, ठीक है। तो हम जो है यहां पर सेकंड इक्वेशन लगा सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी डी प्लस हाफ ए डी इंटू टी डी का स्क्वायर, ठीक है। कुछ बातें आपको यहां याद रखनी है, लेट से ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट बनेगा। अब इस केस में जब ये रेफरेंस पॉइंट बनेगा तो देखो, रेफरेंस पॉइंट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मैंने इसको नेगेटिव ले लिया, ठीक है जी। इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो ही है तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। एक्सिलरेशन ऑफ डिसेंट, डिसेंट के केस में एक्सिलरेशन डाउनवर्ड है तो मैंने इसको माइनस ले लिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है आपको, क्या बस ये जो साइन कन्वेंशन है उनका यूज कर लेना है। तो यहां से माइनस एस इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, माइनस में हाफ ए डी टी डी का स्क्वायर, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो एस इज इक्वल टू हाफ ए डी और टी डी का स्क्वायर, ये मिल गया। अब जैसे हमने यहां निकाला था एक्सिलरेशन, उसी तरह से हम एक्सिलरेशन इस केस में भी निकाल लेंगे। तो कैसे निकालना है ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसका जो वेट है वो mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा, तो यहां पर ये mg अगेन mg cos थीटा हो जाएगा, ये आपका mg sin थीटा हो जाएगा इस डायरेक्शन में। अब आप क्या सोचेंगे, जब ये प्लेन तो एज इट इज रेस्ट में है, ये ब्लॉक नीचे आएगा तो ये प्लेन इसको अपोज करेगा, रोकेगा, तो इस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, ऊपर की तरफ लगेगा इस ब्लॉक के ऊपर, यहां पर इस तरह से। अगर आपको ये फोर्सेस पता चल गए तो अब आप जो है एक्सेलरेशन निकाल लोगे। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है जी। तो अब आप जो है न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ, समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये विद साइन लेंगे हम। तो कैसे करना है देखो, ऊपर एफ है तो प्लस एफ माइनस mg साइन थीटा माइनस में, क्योंकि डाउनवर्ड है, mg साइन थीटा यानी कि रेफरेंस पॉइंट से नीचे है, ठीक है, और एक्सिलरेशन भी नीचे है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस m इंटू एक्सिलरेशन ऑफ d, इस तरह से लिख लिया। अब f क्या है हमारा, f तो यही रहने वाला है म्यू mg cos थीटा, तो म्यू mg cos थीटा माइनस mg साइन थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस m इंटू एक्सिलरेशन ऑफ d। अब देखो m तो m से उड़ रहा है, m m m, तो म्यू cos थीटा माइनस g sin थीटा इज इक्वल टू माइनस ए डी। तो यहां से ए डी कितना आ गया आपके पास, इसको इधर लेकर के आएंगे ये उधर जाएगा, तो ये g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, ये आपके पास आ गया एक्सिलरेशन ऑफ d, ठीक है जी। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए मिल गया आपको, एक्सेलरेशन ऑफ बी मिल गया, यानी कि असेंट के केस में एक्सेलरेशन और डिसेंट के केस में एक्सेलरेशन। अब चूंकि इस केस में ऊपर जाने वाली डिस्प्लेसमेंट और नीचे आने वाली डिस्प्लेसमेंट क्या है सेम, तो ए टू बी और बी टू ए में जो हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला था, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो यहां से ये क्या है, माइनस हाफ ए ए टी ए का स्क्वायर और माइनस हाफ ए डी टी डी का स्क्वायर, तो इसको इक्वेट कर देंगे, माइनस मतलब एस ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग बी ए, तो कितना है माइनस हाफ एक्सिलरेशन ऑफ ए टी ए का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ एक्सिलरेशन ऑफ बी टी बी का स्क्वायर, सॉरी नॉट बी इट इज डी ए डी टी डी,
का स्क्वायर। ठीक है जी, अब क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से देखेंगे, ये तो उड़ गया, तो यहां से माइनस माइनस ए ए माइनस ए ए टी ए का स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे यहां पर क्वेश्चन के अंदर क्या बोला था, क्वेश्चन के अंदर बोला था द टाइम ऑफ असेंट इज हाफ ऑफ द टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ असेंट इज हाफ ऑफ द टाइम ऑफ डिसेंट। तो अगर मैं इस इक्वेशन को यहां लिखूं टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट, तो मैं टी ए की जगह ये रख सकता हूं वैल्यू, जब टी ए की जगह वैल्यू रखूंगा तो हाफ टाइम ऑफ डिसेंट ये स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए डी और टी डी का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे, माइनस ए ए इंटू टी डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, दैट इज इक्वल टू ए डी और टी डी का स्क्वायर, टी डी स्क्वायर से टी डी स्क्वायर उड़ गया। तो आपको क्या मिला, माइनस एक्सिलरेशन ड्यूरिंग एसेंट डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू ए डी। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एक्सिलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 4 ए डी। अब एक्सिलरेशन की वैल्यू हमने निकाली थी, वो वैल्यूज उठा के यहां रख दो, तो एक्सिलरेशन ऑफ ए कितना था, म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा, ये माइनस है ही फॉर्मूले का और वो माइनस आएगा, माइनस म्यू जी कॉस थीटा माइनस म्यू जी साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू ए डी। 4 ए डी कितना है जी, ए डी आपके पास था जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, अच्छा जी था यहां पर म्यू जी, अच्छा म्यू जी रह गया था म्यू जी कॉस थीटा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस से इसकी मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा म्यू जी कॉस थीटा प्लस, ओहो म्यू जी दो बार क्यों आ गया, ये तो था आपका जी साइन थीटा, यहां पर ये हटाओ, ये गलत है, ये जी साइन थीटा है, तो म्यू जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा दैट इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ गया 4 जी साइन थीटा माइनस 4 म्यू जी कॉस थीटा। ठीक है जी, तो यहां से जी भी उड़ रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग कर रहा था ये, जी से जी भी उड़ा दिया, पहले ही उड़ा देते तो अच्छा रहता। तो ये मिल गया आपको म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 4 साइन थीटा माइनस 4 म्यू कॉस थीटा। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इस वैल्यू को उठा करके यहां ले आओ तो ये बन जाएगा 5 म्यू कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 4 साइन थीटा, इसको इधर लेकर के जाएंगे तो ये बन जाएगा 3 साइन थीटा। तो म्यू की वैल्यू आपको मिल जाएगी, इसको पूरे को नीचे लेकर के जाएंगे 3 साइन थीटा अपॉन में 5, 3 बाई 5 और ये आ गया कॉस थीटा, तो कितना आया 3 बाई 5 इंटू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा यानी कि टेन थीटा। अब थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, थीटा की वैल्यू इंक्लाइन प्लेन पर 30 डिग्री गिवन है, तो 3 बाई 5 इंटू साइन टेन 30 की वैल्यू 1 अपॉन में रूट 3, इसको सॉल्व कर लेंगे तो रूट 3 बाई 5 आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ये रूट ये 3 है तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ रूट 3 इंटू रूट 3, तो एक रूट 3 से एक रूट 3 उड़ जाएगा तो बचेगा रूट 3 बाई 5। तो म्यू की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन के अंदर, म्यू की वैल्यू है रूट एक्स बाई 5, तो यहां पर रूट एक्स बाई 5 दैट इज इक्वल टू रूट 3 बाई 5, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3, रूट 3 नहीं आएगी, स्क्वायर करोगे तो वो उड़ गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो उम्मीद करता हूं यहां पर आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट रहा होगा वो डाउट आपका जरूर क्लियर हुआ। तो जब टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट की यहां बात हो रही है तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे लग रहा है, इस केस में जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो जब भी इस केस में इस तरह का कंफ्यूजन हो तो ऐसे समझ लो, देखो ये प्लेन इस ऑब्जेक्ट को जब ये ऊपर जाएगी तो ये इसको रोकेगा अपोजिट डायरेक्शन में, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगी तो ये जो प्लेन है इंक्लाइन प्लेन ये कहेगा नहीं नहीं मैं तुझे रोकूंगा, तो जब बॉल ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगी तो उस केस में इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इस तरह से आपको ये समझना है।
तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी आपका डाउट रहा होगा वो डाउट आपका जरूर क्लियर हुआ। हो सकता है वीडियो की लेंथ जो है ज्यादा हो गई हो, बट हमारा मकसद आपके छोटे से भी डाउट को जो है सॉल्व करना है। हमारा मकसद क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दुनिया भर की जगह पर मिल जाएगा, लेकिन हमारा मकसद है आपके छोटे छोटे डाउट को भी सॉल्व करना। कहीं पर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप जो है इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें ये चीज समझ में नहीं आई, बट मुझे उम्मीद है कि मैंने जो है इसके सभी एस्पेक्ट्स को कवर किया है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच प्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे आकाश में, एलन में, पीडब्ल्यू में, फिटजी में, वीएमसी में, कहीं भी, और आपका फिजिक्स के अंदर चाहे थ्योरी है या क्वेश्चन है, आपका डाउट है, तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए, मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।